सुप्रभात बेटा, मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों को कविता नंबर एक पद का पद नंबर चार करवाने जा रहा हूँ बेटा। तो जिस ये जो कविता है, पहली कविता बेटा पद, इसके जो कवि है वो श्री सूरदास जी है। और ये पाठ हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? क्षितिज भाग दो की कविता नंबर एक। तो बात करते हैं बेटा पद नंबर चार की व्याख्या की। पहले तीन पदों की व्याख्या हम कर चुके हैं बेटा, समझ चुके हैं। तो अब पद नंबर चार की व्याख्या देखिए, किस तरह से गोपियां उद्धव को उल्हाना दे रही हैं। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू होते चुराई, ते क्यों नीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो परजन जाही सताए। देखिए बेटा, अब हम कविता नंबर एक के पद नंबर चार की व्याख्या करने जा रहे हैं कि जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश गोपियों के पास लेकर जाते हैं, अर्थात कहां से कहां, मथुरा से वृंदावन कह लीजिए या गोकुल जब जाते हैं, तो वहां गोपियों को योग रूपी संदेश देते हैं, तो उल्टा गोपियां उद्धव को क्या उल्हाने देती है सुनिए। हरी है राजनीति पढ़ी आए की है उद्धव, सुनिए, जो हरी है, जो भगवान श्री कृष्ण है ना, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, राजनीति पढ़ी आए। अब लग रहा है हमें कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति अच्छी तरह पढ़ ली है, और समूची बात कहत मधुकर के, और मधुकर भ्रमर के भंवरे के कहने से, समूची बात के जो भ्रमर है भंवरा है इसके कहने से हमें बात समझ में आ गई है। अब सुनिए बेटा ध्यान से, यहां मधुकर जो शब्द है, यदि इसका शाब्दिक अर्थ पूछे मधुकर, शाब्दिक अर्थ इसका भ्रमर या भंवरा है, लेकिन यहाँ एक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्यंग्यात्मक दृष्टि से यहाँ भ्रमर कहा गया, मधुकर कहा गया है, लेकिन बात किसको कही गई है, उद्धव को, कि उद्धव अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई है, और समाचार सब पाए, आपके द्वारा आपके कहने से हम सब समाचार पा गए हैं, प्राप्त कर गए हैं, अर्थात समझ लिया है हमने कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। एक एक अति बहुत ज्यादा चतुर होशियार होते थे पहले ही पहले से, एक तो श्री कृष्ण, एक का मतलब एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत अधिक चतुर होते थे, उत्तर एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और वो अब और भी अधिक चतुर हो गए, क्यों, क्योंकि अब वो गुरु ग्रंथ पढ़ाने लग गए हैं, अब तो वो और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और इस तरह से हमने उनकी क्या है बुद्धि को बढ़ा हुआ अर्थात विस्तृत जान लिया है, इससे तो साबित होता है कि जो श्री कृष्ण की बुद्धि है वो क्या है, बढ़ गई है, बढ़ गई है, विस्तृत हो गई है उनकी बुद्धि है जो, और जो वो क्या है, जोग संदेश पठाए, जो हमें पढ़ने के लिए क्या है, योग रूपी संदेश है जो वो भिजवा रहे हैं, इससे तो उनकी बुद्धि और भी ज्यादा बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है, मालूम पड़ रही है। और उद्धव की हे उद्धव भले लोग आगे के, आगे के का मतलब है बेटा यहाँ भले लोग आगे, आगे का मतलब पहले के, आज से पहले के जो लोग हैं वो बड़े भले होते थे, अच्छे होते थे, भले कल्याणात्मक दृष्टि से अच्छे होते थे वो, उद्धव
पहले के प्राचीन काल के जो लोग थे वो बहुत ही कल्याणात्मक दृष्टि से अच्छे होते थे, भले होते थे, और जो क्या होते थे, परहित, जो दूसरों के पर दूसरों के हित भलाई के लिए दौलत दौड़ते फिरते धाए, दौलत धाए जो झूमते रहते दौड़ते रहते थे, उतावले या उत्सुकता पूर्वक लगे रहते थे दूसरों का भला करने में, इसलिए पहले के लोग बहुत अच्छे थे। अब अपने मन फेर पाइए, और गोपिया कहती है कि उद्धव अब तो हम अपने जो मन है ना फेर फिर से पाइए, पाना चाहती है, अब हम दोबारा से फिर अपने मनों को पाना चाहते, किस मन को, चलत जो चलते हुए जूझो, जो चलते हुए श्री कृष्ण ने चुराए होते थे, जो श्री कृष्ण ने चलते हुए चुरा लिए थे, अब हम वही मन दोबारा से फिर पाना चाहती है। और ते क्यों, ते कौन, वे कौन बेटा, ये जो ते आया किसके लिए आया, श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, ते क्यों नीति करें कि वो आज आप अपने आप, ते वे कौन, श्री कृष्ण आज अपने आप अनीति पूर्ण कार्य क्यों करें कर रहे हैं, कि श्री कृष्ण आज अपने आप अनीतिपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं, जे जो और जो दूसरों को भी हमेशा, कि आज श्री कृष्ण अपने आप अनीतिपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं, जो हमेशा दूसरों को अनीति छुड़ाए, अनीति अन्यायपूर्ण कार्य करने से या अनीतिपूर्ण कार्य करने से जो रोकते थे, आज वो स्वयं अनैतिकपूर्ण कार्य है या बुरे कार्य है क्यों कर रहे हैं, जो हमेशा दूसरों को बुरा कार्य करने से रोकते थे। राज धर्म तो यह सूरदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, कि गोपियां उद्धव को राजा देखते हुए कह रही है कि हे उद्धव राज धर्म की, राजा का धर्म तो यह है, ये बनता है क्या क्या बनता है, कि जो प्रजा ने चाही सताए, कि राजा को कभी भी जाकर के अपनी प्रजा नहीं सतानी चाहिए, अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उल्टा अपनी प्रजा की रक्षा, हर कठिनाई के समय, हर मुसीबत के समय अपनी जो प्रजा है उसकी रक्षा करनी चाहिए, राजा का धर्म तो यह बनता है। तो बेटा ये शाब्दिक अर्थ हमने कर लिए, इसलिए शाब्दिक दृष्टि से हमने व्याख्या कर ली है, एक बार फिर डायरेक्ट देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, गोपियां उद्धव को लाना देते हुए कह रही है कि हे उद्धव भगवान श्री कृष्ण ने अब राजनीति अच्छी तरह पढ़ ली, समूची बात कहत मधुकर के, कि अब मधुकर के भवरे के अर्थात इसके उद्धव के कहने से हमें बात अच्छी तरह समझ ली है, और समाचार सब पाए, और श्री कृष्ण से प्राप्त सभी समाचार हमने पा लिए, और एक अति चतुर होते पहले, कि तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत अधिक चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो वो गुरु ग्रंथ क्या है पढ़ाने लग गए हैं, बड़ी बुद्धि जानी, जो उनकी इस तरह से तो उनकी जो बुद्धि है वो बढ़ी हुई मालूम पड़ती है, जानी जाती है, योग संदेश पढ़ाए, जो हमें वो योग रूपी संदेश पढ़ने को भिजवा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे किसने है, उद्धव पहले के जो लोग थे ना आगे के, अर्थात प्राचीन काल के जो लोग थे वो बड़े अच्छे होते थे, क्यों, क्योंकि परहित डोल जाए, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे, अब अपने मन फिर पाइए, और गोपियां उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव अब तो हम अपने जो मन है ना फिर से पाना चाहती है, जो श्री कृष्ण ने चलते हुए चुरा लिए होते, जो श्री कृष्ण ने चलते हुए चुरा लिए, ते क्यों नीति करे आप, आज वो स्मरण, ते किसके लिए बेटा, इसके लिए आए थे श्री कृष्ण, आज वो स्मरता श्री कृष्ण स्वयं आज अनीतिपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमेशा दूसरों को नीतिपूर्ण कार्य करने से रोकते थे, बुरे कार्य करने से रोकते थे, आज वो स्वयं बुरे कार्य क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां उद्धव को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि हे उद्धव राजा का धर्म तो यह बनता है कि वह कभी भी प्रजा को जाकर न सताए, बल्कि उल्टा प्रजा को हर दृष्टि से
या प्रजा की हर मुसीबत के समय सहायता करें। तो बेटा अब बात आती है काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य क्या है इसमें? हम देख पा रहे हैं कि पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंत में बेटा ए ए स्वर आया है। ए आए में ए, पाए में ए, पढ़ाए में ए, पठाए में ए, धाए में ए, चुराए में ए, छुड़ाए में ए और सताए में, सभी में ए आया है बेटा, ध्यान देना। तो एक ही स्वर जब आता है, कि स्वर की जब मित्रता हो जाती है बेटा, वहां पर अलंकार हो जाता है पद मैत्री। कौन सा हो जाता है? पद मैत्री बेटा। पूरे पद में एक ही स्वर की आवृत्ति हुई है, इसलिए पद मैत्री अलंकार हो जाता है। फिर अब बेटा दोबारा जैसे हरि है राजनीति पढ़ी आई, समूझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। अब समाचार का सह और सबका सह बेटा ध्यान देना, तो सह सह की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार हो जाता है। सह व्यंजन की आवृत्ति। एक अति चतुर होते पहले ही। अब गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ में देखना बेटा, गुरु का गह और ग्रंथ का गह, तो गह व्यंजन की आवृत्ति होने के कारण ही अनुप्रास अलंकार हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब बढ़ी का वह और बुद्धि का वह, तो वह व्यंजन की आवृत्ति होने के कारण भी अनुप्रास अलंकार। जोग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के, अब लोग का गह बेटा और आगे का गह, तो गह व्यंजन की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार। पर हित दौलत भाए, अब हित का तय बेटा और दौलत का तय, तय तय व्यंजन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। अब अपने मन, यहाँ पर देखिए अपने का नए और मन का नए, नए नए व्यंजन की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार। चलत जो हुते चुराए, यहाँ भी चलत का तय और हुते का तय, तय व्यंजन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। और ते क्यों नीति करे आपने, यहाँ देखिए बेटा क्यों आया, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है तो प्रश्न अलंकार हो जाएगा। ते क्यों नीति करे आपने, यहाँ पर प्रश्न अलंकार है बेटा, प्रश्न अलंकार। और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो पर जाना जाहिर है। तो बेटा इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि दिए गए पद नंबर चार में एक तो पद मैत्री अलंकार है, फिर क्या आया अपना अनुप्रास अलंकार आया कई जगह, और क्या देख पा रहे बेटा इसके अंदर भाषा की यदि बात करें तो भाषा इसके अंदर आई बेटा ब्रज भाषा। कौन सी भाषा रहेगी? ब्रज भाषा है इस पूरी कविता में है वैसे तो ब्रज भाषा हो गई। वियोग श्रृंगार रस है बेटा, रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस क्यों है बेटा? क्यों? क्योंकि यहाँ गोपियां और श्री कृष्ण के वियोग का वर्णन किया गया, तो इसलिए वियोग श्रृंगार रस, ब्रज भाषा वियोग श्रृंगार रस। तत्सम शब्दावली है बेटा, तत्सम शब्दावली, और इसमें ब्रज भाषा हो गई, तत्सम शब्दावली वियोग श्रृंगार रस हो गया, और क्या देख सकते हैं पद मैत्री अलंकार हो गया, और क्या देख सकते हैं बेटा प्रश्न अलंकार हो गया। और हम देख पा रहे हैं कि इसमें श्री कृष्ण व गोपियों के विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। किस अवस्था का? विरह अवस्था का सुंदर वर्णन किया गया है। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे कि हमने पूरी कविता की, जो कविता नंबर एक है पद, उसके चारों पदों की व्याख्या हमने एक एक करके कर ली है, समझ ली है, सभी के हमने काव्य सौंदर्य समझ लिया, लिखने का तरीका हमने देख लिया बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये समझ आई होगी, और पूरी आशा रखता हूँ कि आप फेयर कॉपी में इसको अच्छी तरह से मेंटेन करोगे, लिखोगे बेटा साफ सुंदर लिखाई में, और अपने जुलाई में होने वाले टेस्टों की अच्छी तरह से यूटी यूनिट टेस्ट की अच्छी तरह बेटा तैयारी करोगे। तो मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो धन्यवाद।